कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में अजाने कहा देखे से फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने ऐला की पोशाक पर स्वाही फे जिससे ये सुनिश्चित हो गया की केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकांक्षा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को यह समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाका सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला। शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें की सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गढ़ से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वकक्षा सिंह संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुँचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदन्या की यात्रा करने के उनके सजारिना के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहण रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन सिंहासन सिंह नहीं की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला। शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहाँ ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनिया की यात्रा करने के उनके सजारिना के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन कर रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोएन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसके ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक चौकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद भी ये सिंहासन पर उसके भविष्य का को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुएन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतीली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेंकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहाँ ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाका सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है और रानी से मिलवाता है और उन्हें की सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन शादी आना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुँचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण एला को और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियास मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकाशा सिंह की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण एला को राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियास मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसके ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक चौकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें की सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतीली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकांक्षा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को यह समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाका सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुएन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वकक्षा सिंह संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है रात के जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोह रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन सिंहासन सिंह नहीं की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण एला को राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियास मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसके ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है और, और उन्हें भविष्य का आरोह रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतीली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकांक्षा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को यह समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान से बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई हैं उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है जो एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाका सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वकक्षा सिंह संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुँचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोह रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकाशा सिंहासन नहीं की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदन्या की यात्रा करने के उनके सजारिना के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसके ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक चौकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें की यात्रा करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुएन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतीली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकांक्षा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को यह समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजरीने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाका सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदन्या की यात्रा करने के उनके सजारिना के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहण रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोएन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वकक्षा सिंह संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुँचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोह रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन सिंहासन सिंह नहीं की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला। शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रॉबर्ट एला को राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियास मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसके ओटी रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक चौकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद भी ये सिंहासन पर उसके भविष्य का रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुएन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतीली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन सिंहासन सिंह संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमय लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है रानी विट्राइस की मदद से राजा रॉबन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावणीय लकोराजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें इदनेया की यात्रा करने के उनके सजारिने के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियस मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने आयोजन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर ओ तो टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनियाभर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाका सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है और रानी से मिलवाता है और उन्हें की सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते है क्यूँकी शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला परिचारको में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करते है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुँचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें की यात्रा निर्णय के, के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोह रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओ टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैबेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान से बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लाखी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक टोकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके आजीवन महत्वाकाशा सिंह की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें स्वीकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है रावण एला को राजा और रानी से मिलवाता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने के उनके सजा के बारे में सूचित करता है यद्यपि ये सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है विट्रियास मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गुइन को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसके ओ रिलीज को लेकर तो ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है कैमिला कैवेलो सिंड्रेला देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे इसे फ्री में सिंड्रेला एक महत्वाकांक्षी युवा महिला है जो अपनी दुकान पर बॉय एला स्थापित करने का सपना देखती है जब वो रास्ते में राजकुमार रॉबर्ट की नजर में आ जाती है तो वो खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और उससे मिलने की उम्मीद में निकल पड़ता है रॉबर्ट एला को स्थानीय बाजार विक्रेताओं के बीच पाता है जो अपनी एक रचना बेचने की कोशिश कर रहा है कुछ चंचल हंसी मजाक के बाद वो उसकी पोशाक मूल कीमत से तिगुनी कीमत पर खरीदता है रॉबर्ट एला को एक आगामी गेंद के लिए आमंत्रित करता है जहां वो वादा करता है वो दुनिया भर के लोगों के साथ मिल सकती है जो उसके डिजाइन खरीदना चाहेंगे गेंद के दिन एला की सौतेली माँ विवियन ने उसे उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि एला की शादी सब्जी व्यापारी थॉमस से पहले ही करने का वादा किया जा चुका था विवियन ने एला की पोशाक पर स्वाही फेकी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि केवल उसकी अपनी बेटियां मालोविया और नरीसा ही भाग ले सके हालांकि ये लकी उम्मीदें नराशाई हो गई है उसके परी गॉड पेरेंट फेवजी उसकी सहायता के लिए आते हैं वो उसे अपने ही डिजाइन का गाउन और कान से जूतों की एक जोड़ी पहनाने के लिए जादू का उपयोग करता है चूहे एक चौकरे के लिए पैदल चलने वाला बन जाता है और एक गाड़ी में बदल जाता है जो एला को गेंद तक ले जाता है वह उसकी मुलाकात विजिटिंग क्वीन तातियाना से होती है जो एला को अपने निजी ड्रेस मेकर के रूप में दुनिया भर में ले जाने की पेशकश करती है वो रॉबर्ट की बहन राजकुमारी गुइन से भी मिलती है जिसने वो पोशाक पहनी हुई है जो एला ने उसे बाजार में बेची थी जब रॉबर्ट एला को प्रस्ताव देता है तो वो मना कर देती है ये समझते हुए की शादी उसके कपड़े पहनने के सपनों को खत्म कर देगी जो अनंत पहुंच के भीतर है रॉबर्ट जिसके जीवन महत्वाकाशा सिंहासन संभालने की रही है इस उत्तर के साथ संघर्ष करता है आधी रात के समय एला शाही पड़ी चारकों में से एक पर अपना जूता फेंकने के बाद गेंद छोड़ देती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है अगले दिन विवियन ने अपनी करीबी कहानी का खुलासा किया एला को ये समझने की कोशिश की, की कि किसी के व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए जाना प्यार और शादी के साथ असंगता है विवियन एला के कमरे में बची हुई कांच की चप्पल देखता है और उसे एहसास होता है कि वो वही रहस्यमयी लड़की है जिसे राजकुमार तलाश रहा था। विवियन एला को रॉबर्ट से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एला मना कर देती है तो विवियन उसे थॉमस को दे देता है। रानी विट्राइस की मदद से राजा रोवन स्वीकार करता है कि रॉबर्ट एक सामान्य व्यक्ति से शादी करना चाहता है जब वो एला की खोज करता है तो उसे कांच का जूता देता है एला थॉमस से भाग कर एक जंगल में रॉबर्ट के साथ फिर से मिलती है जहां ये एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक चुमन सजा करता है ये जोड़ा अपने डिजाइनर तातियाना को अपने डिजाइन दिखाने के लिए समय पर बाजार पहुंचता है जो उन्हें शिकार कर लेती है और एला को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है को और रानी से मिलवाता है और उन्हें की यात्रा करने के उनके सजा निर्णय के बारे में सूचित करता है यद्यपि सिंहासन पर उसके भविष्य का आरोहन को रद्द कर देता है वे मुस्कुराता है क्योंकि रावण गर्व से गोविंद को सिंहासन की कतार में सबसे पहले नाम दिया है राज्य के नागरिक गवाह बनने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि शाही परिवार आधिकारिक तौर तो पर इन घटनाओं की घोषणा करता है बात करें इसकी ओ रिलीज को लेकर तो इसे ओटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है